नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सेन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 12 मई को जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के गढ़ में जमकर सियासी बाण चलाएंगे। वह भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। हाल ही में राजा भैया व अमित शाह के बीच हुई मुलाकात को लेकर सियासी हलचल भी तेज है। कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के हीरागंज नगर पंचायत स्थित सिद्धपीठ मां नायर देवी धाम जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। राजा भैया के गढ़ में करीब एक घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। हाल ही में राजा भैया से उनकी बेंगलुरु में मुलाकात भी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि वह जनसभा के दौरान प्रमुख विपक्षी दल पर ही सियासी बाण चलाते हैं। इस बार राजा भैया की पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह का उन पर क्या रुख रहता है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर से जनसत्ता दल के नेताओं से 36 के आंकड़े जगजाहिर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में राजा भैया ने भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया था। इतना ही नहीं, सपा के कई विधायक भी उनके साथ भाजपा प्रत्याशी को अपना मत दिया था। इसके पहले भी विधान परिषद चुनाव में भी जनसत्ता दल विधायक ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी की मदद की थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा व जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच गठबंधन की अटकलें भी चलती रहीं। कौशाम्बी से प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी रुका था, जिससे अटकलों को बल मिलता रहा, मगर ऐन वक्त पर भाजपा ने तीसरी बार विनोद सोनकर को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसे लेकर राजा भैया समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। फिलहाल अब सबकी नजरें अमित शाह की जनसभा पर टिकी हैं। कौशाम्बी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रविवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, जिसे देखते हुए गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल व CO सदर अमरनाथ गुप्ता ने जनसभा स्थल का जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर मातहतों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।